हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति सिंह और मैं जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस बनाने का सोच रही हूँ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं देन प्लीज़ डू टेल मी, इट विल मोटिवेट मी टू मेक फर्दर मोर वीडियोस फॉर यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, इनफैक्ट हमारा फर्स्ट वेरी फर्स्ट टॉपिक है फ्रॉम CPC सिविल प्रोसीजर कोड और विल डील विद इंटरप्लीडर सूट। तो इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरप्लीडर सूट क्या है, किस सेक्शन में इसको एक्सप्लेन किया गया है, किस ऑर्डर में इसके प्रोसीजर्स हैं, इसके सब्जेक्ट मैटर्स क्या हैं और ऑब्जेक्ट क्या है इंटरप्लीडर सूट का। सो जनरली वी ऑल नो कि एनी सूट इज़ फाइल्ड बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, मतलब कि जो डिस्प्यूट होता है, कॉज ऑफ एक्शन होता है, वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में होता है। बट इन इंटरप्लीडर सूट जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच ना होकर वो कॉज ऑफ एक्शन, वो डिस्प्यूट या कोल्यूजन कह लीजिए, दैट इज़ बिटवीन डिफेंडेंट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। सपोज दैट कि कोई मिस्टर ए हैं, ही फाइंड्स एनी प्रॉपर्टी। अब वो राइटफुल क्लेमेंट को वो प्रॉपर्टी देना तो चाह रहे हैं, बट जो प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहा है, देयर आर मोर देन वन पीपल। मिस्टर बी कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मिस्टर सी कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मिस्टर डी कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। सो देर कैन बी मोर देन टू डिफेंडेंट्स। नंबर इज़ नॉट गिवन एनीवेयर कि कितने डिफेंडेंट्स होंगे। सो बी कहते हैं मेरी है, सी कहते हैं मेरी है, डी कहते हैं मेरी है। अब मिस्टर ए जो है वो एज्यूम तो कर नहीं सकते हैं कि ये राइटफुल क्लेमेंट कौन है इस प्रॉपर्टी का, तो वो कोर्ट जाते हैं एंड ही फाइल्स अ सूट। दिस सूट इज़ कॉल्ड एन इंटरप्लीडर सूट। इस सूट को हम इंटरप्लीडर सूट कहते हैं, जहाँ की जो कॉज ऑफ एक्शन है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में नहीं है। ये जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अराइज हुआ है इसलिए क्योंकि देर आर मोर देन वन पार्टी क्लेमिंग दैट प्रॉपर्टी। बी कह रहे हैं उनकी, सी कह रहे हैं उनकी, डी कह रहे हैं उनकी। तो ये जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो डिस्प्यूट है, वो बी सी डी के बीच में है, ना कि ए एंड बी, ए और बी, ए और सी या ए और डी के बीच में। सो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हमें क्या समझ में आता है कि डिस्प्यूट जो है वो डिफेंडेंट्स के बीच में है। जो प्लेंटिफ है वो तो प्रॉपर्टी देने का उसका इंटेंशन है ही, तो इंटरप्लीडर सूट वो है जहाँ पे डिस्प्यूट जो है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच ना होकर सूट का जो डिस्प्यूट है वो डिफेंडेंट्स के बीच में है। अब इंटरप्लीडर सूट्स के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम PT पॉइंट ऑफ व्यू। सो देर आर थ्री सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इंटरप्लीडर सूट दैट इज़ गिवन अंडर CPC। फर्स्ट वन इज़ सम अमाउंट ऑफ मनी, द सेकेंड वन इज़ सम अमाउंट ऑफ डेट, द थर्ड वन इज़ सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है। सो PT का इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इंटरप्लीडर सूट। सो फर्स्ट वन इज़ सम अमाउंट ऑफ मनी, सेकेंड इज़ डेट एंड थर्ड इज़ योर प्रॉपर्टी विच मे बी आइदर मूवेबल और इमूवेबल। नाउ ऑब्जेक्ट बिहाइंड फाइलिंग इंटरप्लीडर सूट क्या है? हमें कोई भी टॉपिक पे आंसर फ्रेम करना हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस सेक्शन के पीछे जो रैशनल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो हम फाइंड आउट कर सकें और वो हम अपने आंसर में फ्रेम कर सकें, जो कि हमारा आंसर बाकी लोगों के आंसर से डिफरेंट होगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर डिफरेंट होगा, समथिंग आपने कुछ और अच्छा लिखा होगा, तो यू विल गेन मोर मार्क्स देन अदर्स। सो ऑब्जेक्ट क्या है इंटरप्लीडर सूट का, कि आप पहला तो ये है कि आप जो डिस्प्यूट है
बिटवीन डिफेंडेंट्स वो आप सेटल कर सकें। दूसरा ये है कि जो राइटफुल क्लेमेंट है उसको आप वो उसका प्रॉपर्टी वो आप उसको डिलीवर कर सकें। सो देर आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरप्लीडर सूट, वन इज़ टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफेंडेंट्स एंड द अदर इज़ to deliver the property to the rightful claimant. So in short, हम once again एक बार समझ लेते हैं कि interpleader suit क्या है. Interpleader suits are those suits which are not between plaintiff and defendant. The dispute is between defendants. Object क्या है इसका कि rightful claimant कौन है उसको पता करके उसकी property दे सके और dispute settle कर सके. Subject matter क्या है interpleader suit का, money, debt और property that is movable and immovable. Example भी हम लोग समझ ही लिए हैं, so I think interpleader suit जो है वो आपको clear होगा. Now the detailed procedure of interpleader suit कैसे होता है और इसका procedure क्या है detail में वो हम पढ़ते हैं order 35 में. So let's start with order 35. Order 35 में हमारे total 6 rules होते हैं. This is also a very important question for PT कि there are how many rules, total rules in order 35. तो हमारे order 35 में total 6 rules होते हैं. Rule number one क्या कहता है, it says that कि in every interpleader suit plaintiff को ये mention करना बहुत ज़रूरी है that the suit is interpleader suit and he claims no interest in the subject matter else than cost and charges. इसका मतलब यह है कि plaintiff को subject matter retain करने में कोई interest नहीं है. He wants to deliver the property to rightful claimant and उसको बस जो चाहिए है वो cost और जो भी charges उसके लगे हुए हैं in procuring the property, in filing the suit, institution of suit and other charges related to procuring and retaining the property, वो बस उसको चाहिए, otherwise उसको subject matter में कोई interest नहीं है. फिर ये है कि there should be defendants who will be claiming severally, मतलब एक से ज़्यादा defendants होने चाहिए जो कि क्लेम कर रहे हों उस सब्जेक्ट मैटर पे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है और एज़ डिस्कस्ड इन प्रीवियस एग्जांपल कि बी सी डी कह रहे थे कि उनकी प्रॉपर्टी है. सो यहाँ पे डिफेंडेंट्स सेवरली क्लेम कर रहे हों कि ये प्रॉपर्टी उनकी है. और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिस्प्यूट है दैट शुड नॉट बी बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए. रैदर द डिस्प्यूट शुड बी बिटवीन डिफेंडेंट्स रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर. सो दिस इज़ आर रूल वन. रूल टू सेज दैट अगर जो सब्जेक्ट मैटर है वो इस नेचर का है कि हम उसको कोर्ट में डिपॉजिट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, देन प्लेस इट बिफोर द कोर्ट. दिस इज़ कंटेंट इन रूल टू. नाउ रूल थ्री सेज दैट इफ़ एनी डिफेंडेंट फाइल्स एनी सूट ऑन द प्लेंटिफ, अगर डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ पे सूट किया ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर, तो वो सूट जो है वो स्टे हो जाएगा और इंटरप्लीडर सूट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड द कॉस्ट जो प्लेंटिफ का लगा हुआ है दैट मे बी रिकवर्ड आइदर इन बोदी केसेस सेपरेटली और या तो फिर जॉइंटली भी उसको जो भी कॉस्ट लगे हैं इन फाइलिंग ऑफ सूट, इन प्रोक्योरिंग ऑफ प्रॉपर्टी और एनी अदर चार्जेस वो उसको जॉइंटली या तो सेवरली उसको प्रोवाइड कर देंगे. दिस इज़ कंटेंड इन रूल नंबर थ्री. नाउ रूल नंबर फोर सेज दैट कि अगर कोर्ट को लगता है, इफ़ कोर्ट इज़ ऑफ ओपिनियन कि प्लेंटिफ को रिलीज़ कर देना चाहिए, तो प्लेंटिफ को वो रिलीज़ कर देगी आफ्टर गिविंग हिम ऑल द कॉस्ट एंड चार्जेस जो उसके जेन्युइनली कॉस्ट और चार्जेस लगे थे, वो कॉस्ट और चार्जेस देने के बाद प्लेंटिफ को रिलीज़ कर देगी. अगर लगता है कि नहीं, फॉर एंड ऑफ जस्टिस उसका पार्टी बने रहना ज़रूरी है, तो उसको एज अ पार्टी रिटेन करेगी टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस. कोर्ट को अगर ये लगता है कि डिफेंडेंट्स का कभी कोई भी एडमिशन होगा वो इस केस के लिए रेलेवेंट है, इफ़ेक्टिव डिस्पोजल के लिए रेलेवेंट है, तो वो उसको एडमिट कर सकती है.
और कोर्ट कैन ऑल्सो मेक एनी डिफेंडेंट इन ल्यू ऑफ प्लेंटिफ और सब्स्टिट्यूट हिम विद प्लेंटिफ। मतलब ये है कि कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो किसी भी डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के प्लेस पे रख सकते हैं, या तो उसके जगह पे रख सकते हैं, या तो उसके साथ रख सकते हैं, मीन्स इन ल्यू ऑफ और आइदर इन एडिशन टू प्लेंटिफ कोर्ट उसको रख सकती है और फिर फ्रेम इशू करके ऑर्डिनरी वे में केस का ट्रायल कर सकती है। सो वॉट वी अंडरस्टैंड इन रूल 4 इज़ कि अगर कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ का पार्टी बने रहना इज़ नॉट नेसेसरी तो उसको रिलीज़ कर सकती है कॉस्ट दे के। सेकेंड इज़ कि अगर उसको लगता है कि नहीं इसकी ज़रूरत है फॉर डिस्पोजल ऑफ केस तो उसको पार्टी रिटेन कर सकती है। उसके बाद से अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी एडमिशन है किसी भी डिफेंडेंट का किसी का पार्टी का तो उसको एडमिट कर सकती है एडिशनल एविडेंस में। और फोर्थ ये है कि अगर उसको कोर्ट को अगर फॉर द एंड ऑफ जस्टिस उसको ये लगता है कि किसी भी डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए तो या तो उसके जगह पे इन ल्यू ऑफ दैट प्लेंटिफ और इन एडिशन टू दैट प्लेंटिफ वो उसको प्लेस कर सकती है एंड ट्राई द केस इन ऑर्डिनरी मैनर आफ्टर फ्रेमिंग इश्यूज। रूल 5 ऑफ ऑर्डर 35 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। सो रूल 5 ये कहता है कि कोई भी एजेंट अपने प्रिंसिपल को एंड कोई भी टीनेंट अपने लैंडलॉर्ड को किसी भी इंटरप्लीडर सूट में एज अ पार्टी शामिल नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मिस्टर ए हैं जो कि प्रिंसिपल है, उनका एजेंट है मिस्टर बी। प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को कोई बॉक्स दिया, ज्वेलरी बॉक्स दिया, दिस इज़ इलस्ट्रेशन मेंशन्ड इन रूल 5। तो उसने जो ज्वेलरी बॉक्स दिया समवन मिस्टर सी से इसकी ये उसका ज्वेलरी बॉक्स है, तो ही क्लेम्स इट इन दिस। बी जो कि टेनेंट है वो इंटरप्लीडर सूट नहीं फाइल कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। सो इस रूल में हमें दो एक चीज़ ये बस याद करने वाली है इम्पॉर्टेंट कि कोई भी टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को और कोई भी एजेंट अपने प्रिंसिपल को इंटरप्लीडर सूट में पार्टी शामिल नहीं कर सकता है, कंपेल नहीं कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरप्लीडर सूट। सो प्लीज़ टेल मी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड इफ़ देर इज़ एनी सजेशन प्लीज़ आप उसको ज़रूर बताइएगा सो दैट ये वीडियो और बेटर हो सके। कोई भी सजेशन है तो प्लीज़। थैंक यू सो मच। Thank you.